हैं लोकेशंस. द फ्रेशनेस इन लोकेशंस इज रियली कंफर्टिंग. ट्राइड एंड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल हो रहा है. सास बहू 12 मसालों की चाय. नो मैटर हाउ मच वी हेट इट. लोगों को जेंटलमैन और जर्द पत्तों नहीं समझ आ रहा, जो कि जाहिर है फाइनर सेंसिबिलिटीज के ड्रामे हैं, उनको ये तो डेफिनेटली आए. काबला इस वक्त बहुत बड़े ड्रामों से है जिसमें जेंटलमैन है, मेरे हिसाब से बड़ा ड्रामा है जिसमें कि जर्द पत्तों का बन है. लेकिन वो चूँकि डिफरेंट जॉनराज हैं और ये एक हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल हो रहा है. सास बहू 12 मसालों की चाय. नो मैटर हाउ मच वी हेट इट, है ना, मेरे लिए तो बिल्कुल हेटफुल जॉनरा है, मगर है ये सक्सेसफुल जॉनरा. तो शायद टाइमिंग एक लिहाज से अच्छी है कि जिन लोगों को जेंटलमैन और जर्द पत्तों नहीं समझ आ रहा, जो कि जाहिर है फाइनर सेंसिबिलिटीज के ड्रामे हैं, उनको ये तो डेफिनेटली आएगा. एक और बात जो जब भी कभी मैं सास बहू देखती हूँ और देखती भी हूँ, करती भी हूँ, क्योंकि आ रहे हैं, बन रहे हैं, और आप वंडर करते हैं कि क्यों भाई ये क्यों बन रहे इतने, तो फिर आप एक नज़र अपने इर्द गिर्द दौड़ाते हो, अपने से नज़दीकी लोगों की ज़िंदगियों में, एंड यू डू फाइंड पीपल हु आर थोड़ी सी कंट्रोलिंग सासें, मैनिपुलेटिव नंदें, सो मैनी ऑफ दीज कैरेक्टर्स ऑल अराउंड अस. तो फिर हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि जब तक ज़िंदगी में लोग ऐसे होना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कंप्लेन करूँगी हमेशा सास बहू से, बहुत सारे लोग करते हैं, तो फिर ये ड्रामे बनने नहीं बंद होंगे. तो प्लीज़ पीपल गेट ओवर बहुओं को तंग करना एंड गेट ओवर बीइंग बुरी नंदे एंड लिव हैप्पी लाइफ सो वी कैन मूव ऑन टू बेटर सब्जेक्ट्स इन फ्यूचर, और हम निकल जाएं इन इन घिसी पिटी कहानियों से. आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड, बट है ये बात. वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अब हैविंग सेड दैट आई थिंक जो जहां मेहनत की गई है वो कास्टिंग नहीं है, वो है लोकेशंस. द फ्रेशनेस इन लोकेशंस इज रियली कंफर्टिंग. जो अभी मैंने नादिया ने बताया कि शादी का वलीमे का सीन जो था, एंड आई वाज वंडरिंग ये तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन है, आपने बताया सैलून है, सैलून. अरे मन्नत मुराद का भी एक सीन हुआ था, मन्नत मुराद का भी एक सीन जो शुरू में वो वलीमा वाला, वलीमा वाला वो ऊपर जी ऊपर, इट वाज लाइक जो थिएटर प्लेज में ऊपर वो बने होते हैं सैलून, एक वो मशहूर सैलून है लाहौर में या कराची में भी उसका मिलता जुलता है, वो वहां शूट हुआ है. So it's like a hall. हाँ, धुलने वहाँ तैयार होती हैं बाहर. फिल्मों में शूट्स होते हैं ना, उन्होंने फिर वो बना दिए ताकि ब्राइडल शूट्स हो सके. नेचुरल लाइट में धुलने तैयार होती हैं. Very well used. Very well. It's open air. हाँ. यहाँ भी है. हाँ. So मेरे लिए सबसे ज़्यादा मज़े का काम जो था वो लोकेशंस पे किया गया है, और डायरेक्शन में कुछ चीज़ें मुझे बहुत रियली फेल्ट के वाओ. तो इमोजी में क्या है आपके पास? आई एम देखो मैंने रद्द को वन थंब अप दिया था, अब ना मैं हूँ कंफ्यूज इस वक्त, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट अ वन थंब्स अप फॉर मी. सफ़र की सांस हो वो सब, इतना ही उनके पास अपना अपनी लॉजिक अपना रीज़न था किसी भी वजह से अपनी होने वाली बहू या एक सौतेले बच्चे के खिलाफ होने का, जो कि यू नो जस्टिफाइड था. यहाँ पे सिर्फ सिनेरियो बदल के उसको बहुत हाई क्लास कर दिया, बिकॉज पैसा उसके पास आ गया था इनहेरिटेंस से, एंड देन शी मेड अ बिजनेस फॉर हरसेल्फ व्हिच इज़ प्रोबेबली थ्राइविंग, तो वो सही है. बाकी वो एक अनरीजनेबल कैरेक्टर है. आई एम जस्ट होपिंग कि वो अनरीजनेबल और ज़्यादा अनरीजनेबल ना होता जाए प्रमोशन की हद तक, कि बुरा दिखता जाए कि ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, क्योंकि थोड़ी सी अनरीजनेबल तो वो है जब वो कहती है उसको कि अच्छा तुम्हारी भी बर्थडे है, फलानी को बुला लाओ, और उसका इंतज़ार किए बगैर केक भी कट जाता है, तो वो एक अनरीजनेबलनेस है उसमें. एक
she doesn't want to share her limelight with anyone. Yeah. So जो भी उसके लिए ना सिर्फ limelight मेरे पर है. Selfishness. मैं center of. हाँ. Controlling बैठ के कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हें क्या लग रहा है. वो ruthlessness है. So वो ruthlessness अब कहानी को और उसको कहाँ लेके जाती है that can get interesting. We have yet to see कि कहाँ जाती है बात और कहाँ नहीं. अभी के लिए जिन giants के साथ ये drama खड़ा है और जो मार्क्स हम कर चुके हैं, सो आई थिंक आई विल स्टिल बी अ लिटिल लीनियंट एंड से गुड जॉब. सिक्स. जो पहला मोमेंट जिसने मुझे अपार्ट फ्रॉम द लोकेशंस आई लाइक्ड द वे दे वर शॉट आल्सो एंड द चॉइस ऑफ लोकेशंस आल्सो, जो पहला मोमेंट जिसने मुझे वाव किया वो उस सबसे छोटे बेटे का डांस था. Because it was random dancing. एक बच्चा है वो अपने कमरे में random dancing कर रहा है and the director used it or maybe put it in because अच्छा था वो, मज़े का था, dance भी बहुत अच्छा था. So जो दो dance हमारे पास इस week में आए हैं उनमें I think this was a better dance. Okay. This really wowed me क्योंकि बहुत उस लड़की का बाथरूम में जाना जिसकी शादी होके वो आई है और वहाँ जाके वो चीजों बोलना हाँ कि इस घर के लिए तो मैं कुछ भी कर लूँ. ट्रांसलेटेड फ्रॉम स्क्रिप्ट टू सीन. मगर जो बेस्ट चीज थी उस सीन में वो द डिटेलिंग डिटेल पे जो दिया गया था जोर कि वो लड़की आई है कपड़े बदलने के लिए और चूंकि वो एक रात की दुल्हन है तो किसी ने उसका जोड़ा पीछे पहले से लटकाया हुआ था. जो भी प्रेप करते हैं ना जब आप नई किसी अनजाने को लाते हैं जो इस घर में आके खुद ही से अपनी चीज़ें नहीं खोल रख सकता, तो उस लड़की के लिए एक जोड़ा वहाँ लटका हुआ था. अगर ना होता और वो पिंक जोड़ा पहन के बाहर आती तो वो क्यू मोमेंट बन जाना था कि अच्छा तो इसने कपड़े कहाँ से निकाले. हमें फिर खुद सोचना पड़ना था कि अलमारी में इसके कपड़े थे. अगली सीन में भी उन्होंने अलमारी खुलवाई कपड़े दिखाए. That was the kind of attention to detailing. But एक scene था जो कि बहुत pivotal point था जहाँ जिसके लिए चलते चलते आ रहे थे कि मैंने इनकार कर देना है जब शादी के दिन क्योंकि वो सुन ही नहीं रही मेरी बात somehow और वो लड़का इनकार कर देता है और वहाँ पर जो flip होना था वो होना था ताया या चचा जो भी वो हैं उनके आने से. So वो flip वो वलीमे वाला एम्बियंस वॉज ब्यूटीफुल. इसका भी एम्बियंस वॉज ब्यूटीफुल. सो आई थिंक यहाँ पे एम्बियंस पे शादी वाले सीन पे ज़्यादा जोर दिया और डिटेल जो सीन की थी कि कैसे वो चचा आके खड़े हो गए और उनके होने से कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ा और उन चचा को समहाओ उन चचा ने समहाओ ये सब पहले से पता करवाया हुआ था कि लड़के की कोई और गर्लफ्रेंड है उसको, क्योंकि वो कहते भी आए थे कि शादी तो नहीं होगी तो इसलिए मैं चलता हूँ. अच्छा ये कब बोला? पिछले एक सीन में बोला बेटी को ये शादी होगी तो नहीं. जब उसने कहा कि हम चलेंगे जरूर उसने कहा शादी तो नहीं होगी. हाउ कैन ही बी सो कॉन्फिडेंट? क्योंकि वो एक शातिर आदमी था उसने पता करवा लिया होगा प्रोबेबली. सो वो जगह यहाँ पे खत्म हो गई एनहांस और क्लियर क्लैरिटी के साथ आने की जरूरत थी. वो चचा आके खड़े हुए और एकदम से उसने समझ नहीं आया ये है ना वो समय वो नहीं बनी वो जगह बिल्कुल नोज डाइव गई. सो स्टिल आई थिंक द डायरेक्टर हैज डन अ फेयरली गुड जॉब. आई विल गिव हिम 6.5. अच्छा मुझे वहां पे जो एक चीज आप जो मुझे ऑड लगी थी वो ये कि जब उन्होंने नहीं बोला ना तो माँ का फोकस बेटे पर ही होना चाहिए. माँ का फोकस यूं नहीं होगा क्योंकि तुमने ना बोल दिया उस मौके हर तरफ जाना था फोकस एक जगह नहीं होना था. वहां से शुरू होना था उधर जाना था इधर जाना था बड़े बेटे को पैनिक में देखना था. दैट ये एक फ्रेंजी वाला मोमेंट था. दुल्हन का खौफ दुल्हन का स्ट्रेस नहीं था.